डोंगरगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से बैंक केसीसी घोटाला का शिकार सामाजिक संगठन छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद के द्वारा सन 2017-18 में स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर मुख्यमंत्री एवं जिले के कलेक्ट्रेट तक को की गई थी, जिसमें जाँच कछुआ गति से चल रही थी। समय समय पर बैंकों की कार्रवाई होती रही है। इसके पूर्व ऐसे ही मामले में देना बैंक के पूर्व मैनेजर नवीन मिंज के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और अब भंडारपुर के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर ने डोंगरगढ़ थाने में 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पूरा मामला आपको बता दें कि किस तरह पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन बैंक मैनेजर और दलालों ने मिलकर साजिश रची और किसानों के नाम लाखों रुपए निकाले। तत्कालीन बैंक मैनेजर और दलालों ने फर्जी केसी लोन दिया जो किसानों तक पहुंचा ही नहीं। 21 किसानों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन निकाले गए हैं। उसमें तत्कालीन बैंक मैनेजर की संलिप्तता तो तय दिख रही है, क्योंकि बिना बैंक मैनेजर की सहमति के लोन किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। लोन देने के पूरा दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन करके बैंक मैनेजर स्वयं कृषि भूमि का निरीक्षण करता है, उसके बाद ही लोन पास किया जाता है। लेकिन यह 21 किसानों के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 25,57,000 रुपए पास हो गया। पूरा खेल मिलीभगत से होने की आशंका है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन किसानों के नाम से लोन निकाले गए उन्हें मालूम ही नहीं है और उनके नाम से लोन जारी भी हो गया। इस पूरे फर्जीवाड़े में पूरा खेल पूर्व मैनेजर और दलाल तथा कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका नजर आ रही है। पूरे मामले में जब बैंक द्वारा रिकवरी के लिए जब आवेदन में लिखे गए पत्ते पर नोटिस भेजा तो पता चला कि जिस किसान के नाम पर लोन पास हुआ है उस नाम का व्यक्ति गाँव में ही रहता नहीं है। वहीं कई किसानों को बैंक से नोटिस मिलने के बाद पता चला कि उनके नाम से लोन लिया गया है। सन 2016 में मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शिकायत किया गया था, जो फर्जी केसीसी देना बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि बैंकों से जो किया जा रहा था किसानों के साथ धोखाधड़ी, उस पर शिकायत किया था। तभी हाल ही में ये भंडारपुर में जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, उसी के बारे में मैं यहाँ बयान देने SDOP ऑफिस आया था। ये मैं मुख्यमंत्री महोदय जो भूपेश बघेल जी हैं उनको भी ये शिकायत किया था, उसके बाद से ये जांच में तीव्रता गति पकड़ी। हाँ सर बताएं, ये जो फर्जी KCC लोन वाला जो मामला है भंडारपुर का, पूरा मामला क्या है और कितने लोग गिरफ्तार? पंजाब नेशनल बैंक भंडारपुर के प्रबंधन ने रिपोर्ट की है और उसमें 23 मामले कायम किए गए हैं। 55 लाख रुपये का अलग अलग मामलों को मिलाकर फर्जी लोन लिया गया है और 23 मामले उसमें हम लोगों ने कायम किए हुए हैं। उसमें षड्यंत्रकारी लोग और बैंक कुछ दलाल और बैंक के कुछ लोग मिलकर ये फर्जी लोन निकाले हैं। इन्वेस्टिगेशन में आ गया कि इसमें आगे कौन कौन मुलजिम बनते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।